1971 के युद्ध में जब यूएस नेवी का 7th फ्लीट बे बंगाल में हमारे पास पहुंच गया था तो वो हमें थ्रेटन कर रहा था, हम पे हमला करने की थ्रेटन था। तब रूस की पनडुब्बियां बे बंगाल में आई थी, न्यूक्लियर पनडुब्बियां, और उन्होंने बोला था अगर 7th फ्लीट हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो हम इन जहाजों पे हमला करेंगे। पर हम कैसे सतर्क रहे? चीन को भी एक कमजोर रूस फायदा पहुंचाएगा। मारियोपोल में जारी है भीषण घमासान, ये खबर भी इस वक्त आ रही है। मारियोपोल के मेयर का रूस पर सनसनीखेज आरोप है। मारियोपोल के मेयर ने यह आरोप लगाया है रूस की सेना पर, पोर्ट सिटी पर कब्जे की कोशिश कर रहा है रूस। पोर्ट सिटी ओडेसा हो, मारियोपोल हो, इन तमाम जगहों पर रूस कब्जे की कोशिश लगातार कर रहा है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, और वो सवाल ये है कि चीन को भी एक कमजोर रूस सूट करेगा, ऐसे में इंडिया को क्या करना चाहिए? रूस कमजोर हुआ ही नहीं इस जंग से, आपको लगता है कमजोर नहीं होगा इस जंग से? आने वाले वक्त में आर्थिक प्रतिबंध से लेकर वॉर क्राइम्स के लिए, बिल्कुल अंजना, ये 6 महीने की बात है, 1 साल की बात है। रूस को कमजोर होने के लिए रूस ने, पुतिन ने 20 साल ये मजबूत बनाने के लिए तब ये कार्रवाई की है। 20 साल तक शांत रहा है, छोटे छोटे कार्रवाई किए।